हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, स्नेहा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर आज मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। ये बनाना मिल्क शेक है, स्मूदी है। स्पेशल इंडिपेंडेंट डे के लिए आज मैं ट्री कलर बनाना स्मूदी, तिरंगा बनाना मिल्क शेक, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मुझे मेरे व्यूअर राम जी की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप बनाना मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करें, तो राम जी आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आज बना रही हूँ। आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए अब देर ना करते हुए हम बनाते बनाना स्मूदी। इसके लिए हमें चाहिए, बनाना मिल्क शेक के लिए हमें चाहिए 4 बनाना मैंने लिए हैं, 2 ग्लास फुल मिल्क दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं, फूड कलर लिया है ग्रीन और ऑरेंज, चीनी 5 से 6 चम्मच, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, और गार्निश के लिए पिस्ता, काजू, बादाम। चलिए अब हम बनाते हैं तिरंगा बनाना स्मूदी। सबसे पहले हम बनाना को छील लेते हैं। इसे हमें ब्लेंडर जार में इसके पीसेस करके डालना है। अब हम ब्लेंडर जार में इसे इस तरह से काट कर डाल देंगे। इस तरह काटेंगे तो जल्दी से आपका अच्छे से पिस जाता है। स्वतंत्रता दिवस है तो मैंने सोचा क्यों ना हम तिरंगा मिल्क शेक बनाएं, ट्री कलर स्मूदी, जो दिखने में भी सुंदर लगे और पीने में भी बहुत टेस्टी लगे। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है, आप इसे बड़ों को भी दे सकते हैं। तो इसे आप एक बार ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें मैं 1/4 कप के करीब दूध डाल रही हूँ ताकि बनाना अच्छे से पिस जाए। इसका हमें पेस्ट बनाना है। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है, आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल फाइन पेस्ट बना है और बनाना भी अच्छे से पिस चुका है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। इसमें मैं 5 से 6 बड़े चम्मच चीनी के डाल रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर का डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो ये आप ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो ना डालें। अब इसमें मैं 2 ग्लास दूध के डाल देती हूँ। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, अमूल मिल्क, जो भी आप यूज़ करते हैं। मैंने फुल क्रीम मिल्क दूध लिया है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और देखिए कितना स्मूथ बना है, आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह, ये परफेक्ट है। अगर आपको इससे और पतला चाहिए तो दूध आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। अब इसमें मैं आइस क्यूब डाल देती हूँ और एक बार फिर इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी, क्योंकि मुझे तिरंगा स्मूदी चाहिए इसलिए। तो आप 1 ही कटोरी ले लीजिए, उसमें हम इसे पहले निकाल लेंगे। आप देख सकते कितनी स्मूथ स्मूदी बनी है। अगर आपको कलर ना डालना हो तो ना डालें, लेकिन मैं तिरंगा कलर की स्मूदी बना रही हूँ इसलिए डाल रही हूँ। ऑरेंज फूड कलर ये मैं 3 से 4 ड्रॉप डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि आपने देखा है तिरंगा कलर में ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है और वाइट होता है, तो इसलिए मैं 3 कलर का बना रही हूँ। मुझे इसमें कलर कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और 2-3 ड्रॉप्स कलर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिल्क शेक बहुत ही यम्मी बनता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, और इस तरह का कलरफुल हो तो और भी उन्हें अच्छा लगेगा। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप और डाल सकते हैं। दूसरे में हम ग्रीन फूड कलर का डालेंगे। ये मैं 5-6 ड्रॉप्स डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कलर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
एक को मैं वाइट ही रखूँगी क्योंकि हमारा तिरंगा कलर ऑरेंज, वाइट और ग्रीन है, इसलिए आप देख सकते कितना प्यारा कलर आया है, जिस तरह से हमारा तिरंगा कलर होता है। अगर आपको डार्क करना है तो आप डार्क कर सकते हैं और लाइट करना है तो लाइट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। ये देखिए ग्रीन, ऑरेंज, वाइट तीनों बन चुके हैं। आपके पास इस तरह के ग्लास होंगे ले लीजिए, बच्चों को इस तरह के ग्लास बहुत पसंद आते हैं। सबसे पहले हम तिरंगा का ऑरेंज कलर डालेंगे, इसे हम ग्लास में पोर कर देते हैं। आप देख सकते कितना प्यारा कलर आया है और स्मूदी कितनी स्मूथ बनी है आप देख सकते हैं। अब हम दूसरे में वाइट कलर पोर करेंगे, ये देखिए कितना स्मूथ बना है, इस तरह से आप डाल दीजिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये मिनटों में बन जाता है, तो इसे आप बच्चों को भी बनाने दे सकते हैं, वो बहुत इंजॉय करेंगे। तो कल इंडिपेंडेंट है तो बच्चों को भी दीजिए, वो खुद बनाएं और आपको भी पिलाएं। अब इसमें हम ग्रीन कलर का स्मूदी डालेंगे, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, अच्छा दिख रहा है ना, तो सोचिए पीने में भी कितना टेस्टी लगेगा। ये बच्चों को क्या बड़ों को भी पसंद आएगी। अब हम गार्निश करते हैं, ऑरेंज के ऊपर हम बादाम से गार्निश करेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, और वाइट के ऊपर मैं काजू से गार्निश कर रही हूँ, और ग्रीन के ऊपर मैं पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। आप देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, अब आप खुद देख सकते हैं। ये लीजिए आपका ट्री कलर स्मूदी तिरंगा मिल्क शेक रेडी है। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए सेम तिरंगा कलर की मैंने स्मूदी बनाई है, तो आप ट्राई कीजिए। आप सभी को वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।